लाखों की भीड़ थी। अब नोटबंदी और जीएसटी जो बिल आ गया उसमें पैसे कैसे इकट्ठे हो, उन्होंने कहा अपनी जायदाद बेच देंगे। पर जो उन्होंने राष्ट्र के लिए, प्रथम राष्ट्र के लिए जो संकल्प किया है, जो मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करने वाले परिवारों से वादा कर लिया है तो उसको पूरा करके उन्होंने किया। ये गुजरात की दर्जी अभी और हमारी ग्रुप है, बहुत बड़े बिल्डर है। अभी मैं महीना पहले उन्होंने मुझे बुलाया, 450 बेटियों की अलग अलग धर्म और मदद के उन बच्चों की शादी कराई। शादी दिखावे के लिए नहीं, आजकल शादियां होती हैं, शहीदों को पैसे बांटे जाते हैं, सिर्फ फोटो पॉलिटिक्स होती है, टोटल ड्रामा होता है, दिखावा होता है। 10-10 लाख एक परिवार को गाड़ी, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसकी परंपरा के मुताबिक लाखों की भीड़ मैंने देखी। उसको कहते हैं संस्कृति, उनको कहते हैं इतिहास। हमारा जो भारत है वो 3 स्टेटों के कंधों पे है भारत, जो मैंने जिंदगी को रसक दिया है, बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उन स्टेटों को देखता हूं, लोगों को मिलता हूं। छोटा बच्चा था, जवाहरलाल नेहरू टाइम का, राजनीति में है, राजनीति को रिसर्च किया है। बहुत से लोग इस मातृभूमि पे बोझ है, जिनको पता ही नहीं कि मातृभूमि ने हमें दिया क्या है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, शहीद आजम, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, सफाकुल्ला खान, राणी झांसी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, जलियांवाला बाग के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुरु गोबिंद सिंह महाराज, जिन्होंने अपने अपने 4 साहबजादे 2 नियों में चलवा दिए, 2 जंग के अंदर मजलूमों की रक्षा के लिए शहीद करा दिए, गुरु तेग बहादुर महाराज, जिनको हिंद की चादर कहा जाता है। ये खून से लथपथ है देश, उनके खून। राजनीति मैंने इसलिए नहीं की कि मैं मंत्री बनूंगा, मैं सीएम बनूंगा, मैं बहुत बहुत बड़ा बनूंगा। बस मुझे एक चीज याद है जिसका नाम है मौत हो तो एक दिन आनी है, इसलिए मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। अगर मौत मुझे याद है तो मुझे भगवान भी याद है, अगर भगवान मुझे याद है तो मुझे मातृभूमि भी याद है, अगर मातृभूमि भी याद है तो मैं किसी का बुरा भी नहीं करूंगा। कौन ऐसा दुनिया में व्यक्ति है जो समझता है मैं 200 साल जिंदा रहूंगा? पूरी दुनिया के अंदर किसी राष्ट्र के आगे नाम लगता है मां? नहीं, दुनिया के अंदर एक ही देश है जिसके आगे लगता है मां, वो है भारत मां। पूरी दुनिया के अंदर हो सकते नरेंद्र मोदी ने बीजेपी ने मेरा क्यों लेना देना, मेरे लिए तो प्रथम राष्ट्र है, मैं कांग्रेस के हूं प्राण। कौन कांग्रेसी, कौन बीजेपी, कौन सीपीएम, मैं प्रथम राष्ट्र जिस मातृभूमि की खून से लथपथ मिट्टी पे हमने जन्म दिया है। एक वो मां जो पेट से जन्म देती है, एक वो मां मातृभूमि जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद को अपने आंचल में समा रखी है, उसका नाम है भारत मां। दुनिया के अंदर नाम इतना ऊंचा कर दिया हमारे भारत का। हम यहां कहते हैं हम गुजराती हैं, हम पंजाबी हैं, हम बिहार के हैं, हम यूपी में हैं, और बाहर जाओगे क्या कहोगे? भारतीय, मैं भारतीय हूं। अरे दुनिया में इतना बड़ा कुछ व्यक्ति ने नाम ऊंचा कर लिया, हम उस तरफ कभी भी नहीं सोचते। हम सुबह उठते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, मोदी ने वो, मैं उसका प्रचारक नहीं हूं। मैंने मौत को देखा, मुझे राष्ट्र से प्यार है। मेरे हाथों से बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर बने,
बड़े बड़े मंत्री बने कि ममता बनर्जी डेढ़ छह साल में स्टेट प्रेसिडेंट रही, मैं ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट था। अशोक चौहान महाराष्ट्र का सीएम, मेरा स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट था, सीएम रहा, कई सेंटर के मंत्री रहे, मैं सबको करीब से देखा है। कई लोग ऐसे बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे पास आते थे, हमें एमएलए का टिकट दे दो, हमें मंत्री बना दो, हमें चेयरमैन बना दो। मैं सोचता रहता था क्योंकि बम गोलियां खा खा के दिल्ली में पीवी नरसिम्हाराव ने बैठाया था राष्ट्र की सेवा के लिए, कि हम पॉलिटिशियन है क्या, क्योंकि हमने तो बम गोलियां खाई राष्ट्र के लिए। और ये जो पूरे राष्ट्र से इतने इतने बड़े लोग आ रहे हैं, इनकी जबान से मातृभूमि राष्ट्र नहीं निकलता है, सेकुलरिज्म का नारा नहीं निकलता है, मुझे ये बना दो, मुझे वो बना दो, मुझे ये हटा दो, उसको ये कर दो, तो हम है कौन। मैं पीवी नरसिम्हाराव जी के पास गया, मुझे सर आपने मुझे यहां बिठा दिया, ये मेरा काम नहीं है, मैं तो बम गोलियां खाता खाता आपने मुझे यहां बिठा दिया, तो राष्ट्र की बात ही नहीं करता। तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि जब मैं भी ऑल इंडिया कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी इंदिरा गांधी जी ने बनाया था, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो मैं इंदिरा गांधी जी के पास गया, तो मैंने इंदिरा गांधी जी को कहा कि ये ऐसा सब कह रहे हैं, मैं तो मुझे इन चीजों का समझ नहीं, मैं तो राष्ट्र के लिए काम करने के लिए आया। कहने लगे देश ऐसा है ऐसा ही चलेगा, तो बेटा देश ऐसा नहीं चलेगा, ये तुमने फैसला करना है। और मैंने लाखों की भीड़ लेके वाघा बॉर्डर के अंदर, जब 93 में मेरे ऊपर बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ और बॉम्बे के अंदर इतना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ, ये सामने लोहे का गेट, ये डंडे हैं, और यहां अब तो बड़ी दूरी बन गई, और पीछे लाखों की भीड़ और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बने हुए तिरंगे झंडे, और सामने मेरे दिन भुट्टो वहां की प्राइम मिनिस्टर चैलेंज कर दिया, जरूरत पड़ी तो लोहे का गेट घुस करके लाहौर में घुसेंगे, नौजवान तिरंगे झंडे लेंगे, वहां से बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लीडरों का, बेटा का बोलो कि हमारी प्राइम मिनिस्टर को गाली देना बंद करे, पाकिस्तान को गाली देना बंद करे, ये तो हम गोली चलाएंगे। मैंने माइक पकड़ा, हमारे बीएसएफ के रेंजरों ने बताया तुम्हारी, मैं कहता ऐसी की तैसी, जो लाखों की भीड़ तुम्हारा लोहे का गेट तोड़ करके लाहौर में घुस जाएगी, तुम्हारी गोलियां भी खत्म हो जाएगी, और लाहौर में घुस के कब्जा करने की तुमने मारे दिया। उसके बाद हम गए कच्छ बॉर्डर, वहां भी लाखों की भीड़, तिरंगे झंडे, गंगानगर जम्मू कश्मीर बॉर्डर, तो हमने जो कुर्सी सता मांगने वाले थे उनको निकरे पहना करके, बड़े बड़े लीडर जो कहते थे हम तो मंत्री हैं, हम तो निकर नहीं पहनेंगे, मगर निकर नहीं पहनेंगे तो ये एक पद ले लो, एक छोड़ दो, एक ले लो, यहां से निकलो, सबको निकरे पहनाएंगे, और तिरंगा झंडा लेके ट्रेनिंग लेकर के इनको सोच में लगा दिया कि जाओ जाके प्रचार करो, भारत माँ के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत एक धर्म एक, एकता ही शक्ति है, प्रथम राष्ट्र, उनको काम में लगा दिया। मायावती जी है, मैं खिलाफ नहीं हूं किसी के, वे बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इतिहास रचा, जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने कानून बनाए, जिन्होंने आजादी का आंदोलन दिया, जिन्होंने समाज को फूलों की तरह संवारा, अब उनके नाम को इस्तेमाल करना ठेकेदार बन गए। अगर आप ईमानदारी के साथ राष्ट्र की समाज की रक्षा करते हैं तो आपको सलूट है, अगर पूरे यूपी को लूट करके आप बड़े बड़े होटल बनाते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बना करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करते हैं करोड़ों करोड़ों रुपए की, क्योंकि आपने 200 साल जिंदा रहना है, मगर धर्म की पॉलिटिक्स करते हैं, कास्ट मदद के अंदर बंटवारे की पॉलिटिक्स करते हैं, आप लोगों से बड़ा गदा कोई नहीं हो सकता, ऐसे राष्ट्र चलेगा। आप लोग एक मिशन के लिए निकले हैं, कितने सालों से क्रांति के लिए निकले हैं, आप भी तो विनती कर सकते हैं, आप भी बहुत कुछ आगे बढ़ सकते नहीं, पर आपके क्लब का, आपकी सोसाइटी का मकसद क्या है, गरीबों की मदद, बेसहारा की मदद, ब्लड डोनेशन कैंप,
समाज और सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना करके आम लोगों के दुख सुख में काम आना, ये आपका मकसद है। और हमारा मकसद क्या है, आपको पूछना है कि आपका मकसद, मेरा आने का मतलब यही है, मैं जानता हूं आपके अपनों को, जानता हूं बड़ी बड़ी रैलियां देखी, लाखों की रैलियां, क्या होता होगा, जिंदाबाद जिंदाबाद और कुछ नहीं। किसी को पूछोगे तू पिछली आया है, मुझे पता नहीं, फोटो बोल लेके आया तो तू पिछली आया, मुझे उसने कहा था पिछली बार, जिंदाबाद जिंदाबाद, आपके अंदर क्या है? इस राष्ट्र को, इस मातृभूमि को अपने खून पसीने की कमाई से जोड़ जोड़ करके देना, ये बड़ा डोनेशन कैंप लगा दो, ये चलाई मशीनें बांट दो, ये बेसहारा की मदद कर दो, ये खिलाना काम, ये आपकी पॉलिसी, ये आपका काम है। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हुक्म देता है, आतंकवादियों का नेता हो या आतंकवादी हो, को मेरी मां हो, बहन हो, बच्चा हो, बचना चाहिए, इंसानियत का सबूत। और हमारे जवान मौत का कफन बांध करके सबको, कश्मीर के हर व्यक्ति को बचाते हैं, और ये उनको पत्थर फेंकते जो उनपे गोलियां चलाते हैं, और फिर क्या कहते हैं, जब ब्राक पानी मार दिया जाता है, जिसने हमारे कई सौ जवानों के कतलेआम कर दिए, कई बहनों के सुहागों को उजाड़ दिया, बड़े बड़े जनरलों के ऊपर धोखे से गोलियां चले, जब वो मारा जाता है कुत्ते की मौत, तो पूरा कश्मीर बंद कर दिया जाता है, पूरा कश्मीर। क्या कहते हैं, कश्मीर तब खोलोगे जब पैकेज होंगे, नरेंद्र मोदी के तब वो जमाने गए, आप हमारे जवानों को भी शहीद करोगे, पत्थर भी मारोगे, और मैं पैकेज दूंगा, बंद है तो बंद ही रहेगा, पैकेज नहीं मिलेगा, आज तक किसी को पैकेज नहीं दिया है। और जो लोगों के पाकिस्तान से फंडिंग आती थी, जाते मड़क जैसे, जलानी जैसे, नई पिक्चर बॉम्बे में दिल्ली लगती थी, सबसे पहले उनका परिवार, आतंकवादियों के नेता ताज होटल में रुकते थे, खाना खाते थे, पिक्चर देखते थे, रात को दारू पीते थे, और सुबह प्लेन से उड़ते थे, कश्मीर में आपके खून पसीने के पैसे थे। और दिल्ली में जब कश्मीर के अंदर वार्ता होती थी, इन आतंकवादियों के नेताओं को लाल कार कट के बुलाया जाता था, ताज होटल में सरकार ठहराती थी, और होम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर हाथ खड़े करके दोनों हाथों से इंतजार करते थे, हमारे जवानों को तो आपने शहीद कर दिया, हम आपसे सुलह करना चाहते हैं। आज कोर्टों के अंदर सिर झुका करके देखे होंगे बड़े बड़े चैनलों के अंदर, इसको कहते हैं मातृभूमि प्रथम राष्ट्र, हम रहे ना रहे मातृभूमि सदा सदा तक जिंदा रहे। और हमने तो इतने जाना है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कहता मैं नहीं जाना है? तो मैं आपको थोड़े शब्दों में यही कहूंगा, सोशल मीडिया का युग आ चुका है, और आप बड़ी जिम्मेदार जगह पे हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए, मत सोचिए कि राष्ट्र को पॉलिटिशियन ही संभालेंगे, आप मातृभूमि को संभालिए, आप संभालिए। और यहाँ बैठे जितने भी स्पाउसेस हैं, वो कम से कम जाकर अपने होटल्स का यदि चेकआउट कर लेंगे और वापस आ जाए, बहुत बड़ा दुख बाहर वेट कर रहा है।